Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। ख्याति क्लासेस लेकर आई आपके सामने पार्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का सॉल्यूशन। तो इन दोनों क्वेश्चन को देखना ने बोले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको आसान तरीके के साथ आपके सामने पहुंचाऊंगा, यह सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आपको बताऊंगा, आप भी कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आने के 100% चांस है। क्वेश्चन नंबर 8 भी पूछ सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 भी पूछ सकता है। तो देखते हैं इसको किस तरह से करता है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। रूट सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक्स स्क्वायर थीटा इजिकल टू टेक इजिकल टू क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। आपको ये वाली साइड प्रूव करनी है, ये वाली साइड आपको प्रूव करनी है। इसलिए क्या करना है, आपको यहां पे लिखना है सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, रूट लिखी हुई स्क्वायर रूट में सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लिखी हुई है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले दिमाग लगा दीजिए। आपकी यहाँ पे सेक और कोस लिखा हुआ है, सेक को क्या कहते हैं, 1 बाय कोस कहते हैं, कोसेक को क्या कहते हैं, 1 बाय साइन कहते हैं। इन फॉर्मूलों को देखने के लिए आपको पार्ट नंबर 1 देखना बिल्कुल जरूरी है। पार्ट नंबर 1 आप देखिए, क्योंकि उससे ही आपको यहाँ पे 7.1 की एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाली है। क्योंकि इस पार्ट नंबर 1 ने देखा आपको 7.1 समझ में नहीं आएगी तो नहीं आएगी तो नहीं आएगी। पार्ट नंबर 1 देखना नहीं भूले। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहना, sec थीटा। तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं 1 अपॉन cos थीटा, और यहां पे cosec थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं 1 अपॉन sin थीटा। तो इसी को मैं यहां पुट कर रहा हूं, यहां sec स्क्वायर यानी यहां हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, या लग जाएगा रूट। अब क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे अपन, एलसीएम में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या बचेगा, कॉस से कॉस कट गया तो साइन स्क्वायर थीटा आया, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे भी रूट लग गया। अब मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, टेकिंग, क्या लिख रहा हूं ध्यान रखना, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लिख रहा हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमेरेटर एंड, क्या हो जाएगा न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, क्या करेंगे बोथ साइड करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट और न्यूमेरेटर एंड न्यूमेरेटर, यानी इसका रूट हट जाएगा तो आपके सामने क्या हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएंगे, रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा। तो किस तरह से करना देखना, यहां पर कंडीशन बनेगी आपकी क्या हो जाएगी, इसको हटाने से पहले एक बात ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा, एक चीज और यहां पे अपन भूल गए हैं, यहां पे लिखते हैं बिकॉज, यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है, क्या होता है, वन होता है। तो इसको मैं लिखता हूं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट में है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी ये चेंज हो जाएगी कंडीशन, क्या हो जाएगी, ये चेंज कर देंगे इसको, किस तरह से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का तो 1 ही रहेगा, यहां cos स्क्वायर है रूट हट गया तो ये स्क्वायर भी कट जाएंगे, तो यहां पे बचेगा cos थीटा और sin थीटा, ये कंडीशन बचेगी। अब आपको क्या करना है, अब यहां पे ध्यान रखना है कि 1 इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखो एक बार अपन ने क्या किया था, एक बार यहां पे 1 किया था sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो 1 लिया था, अब यहां पे उल्टा चलना एक बार फिर से, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां मल्टी था तो यहां साइन थीटा, यानी दोनों को मैं अलग लिख सकता हूं, यू लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा और sin थीटा, यानी यहां से sin से sin कट गया, यहां sin स्क्वायर था तो यहां क्या बच जाएगा, sin थीटा बच जाएगा, यहां से ये कट जाएगा तो यहां क्या बचेगा, cos थीटा बचेगा, यानी यह कंडीशन बची है sin upon cos, क्या बची है sin upon cos, और यहां पे cos upon sin, यानी अपन sin upon cos को क्या लिखते हैं, sin upon cos को अपन क्या लिखते हैं, आपको भी आता है, ओ ये तो tan थीटा लिखते हैं, और
प्लस, बीच में क्या है प्लस है, और यहां पे कॉस ओपन साइन को क्या लिखते हैं उल्टा हो गया, तो टेन अपन क्या लिखेंगे यहां पे कॉस थीटा, यानी ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आएगी। लास्ट में आपको लिखना, सबको आता है, अभी सर बोलने वाले हैं क्या लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड HP लिखूं या मैं हैंड स्क्रूड लिखूं, एक ही बात है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही बड़ा है तो ध्यान रखना, बड़ा नहीं है, आपको दिमाग में बैठ गया इसका मतलब आपको समझ में आ गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह से करना है। यहाँ पे tan अल्फा और tan, यहाँ पे ध्यान रखना है tan बीटा और cot अल्फा प्लस cot बीटा इजिकल टू tan अल्फा और tan बीटा यहाँ पे प्रूव करना है। तो किस तरह से करते हैं, tan का फॉर्मूला और cot का फॉर्मूला आपको अभी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बता दिया था, तो ध्यान रखना tan इजिकल टू होता है sin बाय cos, cot इजिकल टू होता है cos बाय sin, ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखता हूं सोल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, यहां हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन क्या हो जाएगा cot अल्फा प्लस cot बीटा, ये होगी अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं क्या करते हैं, ओ अब तो फॉर्मूला आपको आता ही है, मैंने अभी बताया था फॉर्मूला क्या बोलना है, क्या करना है, क्या पुट करना है, ठीक है। तो देखते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा sin अल्फा अपॉन cos अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, यानी देखो यहां अल्फा में लिखा तो अल्फा में लिखा, बीटा में लिखा तो बीटा में लिखा। अब क्या हो जाएगा यहां पे, अब आपको ध्यान रखना है कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, यानी यहां हो जाएगा क्या करेंगे, यहां पे लगेगा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, यानी यहां पे हो जाएगा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, इनको मैं एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम क्या लूंगा मैं देखना, यहां पे लिख रहा हूं कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये मेरा हो गया एलसीएम। अब क्या होता है मैं ध्यान रखना यहां पे, अब नीचे वालों को भी मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आएगा यहां पे साइन अल्फा और साइन बीटा, ये कंडीशन आएगी। यहां पर ध्यान रखना किस तरह से अब करते हैं आपको इसको, अब देखो यहां पर अब cos अल्फा से cos अल्फा कट जाए, यानी sin अल्फा क्या बचेगा sin अल्फा मल्टी cos बीटा प्लस cos बीटा से cos बीटा कट गया यानी sin बीटा, और यहां पे कौन बचेगा sin बीटा के साथ कौन आएगा cos अल्फा, यहां हो गई कंडीशन। अब नीचे देखते हैं sin अल्फा से sin अल्फा कट गया यानी cos अल्फा sin बीटा क्या हो जाएगा cos अल्फा sin बीटा प्लस, अब साइन बीटा से साइन बीटा कट गया यानी कॉस बीटा साइन अल्फा क्या होगा कॉस बीटा साइन अल्फा, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो ब्लैक में लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ब्लैक में जो कंडीशन आपको यहां दिख रही है वो वाली आपके कट रही है, किस तरह से कट रही है देखो, यहां पे कॉस अल्फा साइन बीटा, तो यहां पे कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फा यानी कॉस बीटा साइन अल्फा, तो ये वाली पूरी कंडीशन आपकी जो है, ये वाली कंडीशन जो है और ये वाली जो कंडीशन है पूरी क्या हो जाएगी कट जाएगी, तो ये आपका क्या बचेगा यहां पे क्या बचेगा, देखो यहां लास्ट में लिखा हुआ तो ये वाली डिजिट, ये वाली जो लिखा हुई है आपके सामने साइन अल्फा और साइन बीटा वो कहां चली जाएगी ऊपर चली जाएगी, यानी इसको लिखेंगे इस तरह से साइन अल्फा साइन बीटा ओपन कॉस अल्फा और कॉस बीटा, ये कंडीशन होगी, तो बीटा बीटा वाला अलग हो जाएगा अल्फा अल्फा अलग कर देते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखो मैं यूं लिख दूं साइन अल्फा कॉस अल्फा मल्टी साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, लिख सकता हूं इस तरह से भी लिख सकता हूं, डायरेक्ट ही अपन कर सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, यानी साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू क्या होता है टेन अल्फा होता है, क्या होता है टेन अल्फा, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा यानी क्या हो जाएगा टेन बीटा हो जाएगा, तो आपके सामने आ गया यहां पे टेन अल्फा और टेन बीटा राइट हैंड साइड, कौन सी साइड आ गई राइट हैंड साइड आ गई। अब क्या लिखेंगे अपन यहां पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूड, क्या लिखा अपन ने हैंड प्रूड, तो इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ना नहीं भूले क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएंगे पार्ट नंबर 5 में आएंगे उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन में बताऊंगा सॉल्यूशन बताऊंगा, वहां भी कौन कौन से वहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जाना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे अनुसार
और 2020-2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि शेयर करोगे तो दूसरा बच्चा भी यह पढ़ लेगा तो उसका भी भला हो जाएगा। और सबसे पहला काम आपको एक करना नहीं भूलना है, कमेंट करना। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा है या सर मेरे को यहाँ सही नहीं पता चला किस तरह से करना है, तो वो सब बातें आपको कमेंट में लिखनी है। और अच्छा लगा है तो कमेंट में भी आप कमेंट अच्छा से अच्छे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।